रंग महोत्सव के दौरान लोक संगीत तथा लोकगीत का भरपूर प्रयोग नाटकों में दिखाई पड़ रहा है, जो दर्शकों को लगातार अपनी ओर बांधने में कामयाब भी रहा है। हमारी टीम ने जबलपुर की नाटक मंडली से बात की, जो अपनी प्रस्तुति के साथ रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मौजूद थे। मैं मौजूद हूँ कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। प्रख्यात कलाकार राज कपूर के नाम से इस ऑडिटोरियम को बनाया गया है। हमारे साथ यहाँ आप अपने स्क्रीन पर जो टीम देख रहे होंगे, ये जबलपुर से आई है। जबलपुर से कृष्णा राज कपूर आने का एक मकसद, यहाँ पर रीवा रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इनका इसमें नाटक है। क्या है नाटक, उसकी क्या है थीम, आज बात इसको लेकर, हालांकि मंचन होगा शाम को। क्या है नाटक, क्या नाम जरा बताइए नाटक के बारे में। नाटक का नाम है भगवत अजिक्यम। मूल रूप से एक संस्कृत नाटक है, जिसका हम लोगों ने लोक भाषा में बुंदेली रूपांतरण किया है। रूपांतरण किया श्री रजनीश यादव ने। नाटक के लेखक हैं बोधायन। ये 11वीं सदी का नाटक है। एक गुरु और शिष्य की कथा है। गुरु अपने शिष्य को भौतिकवाद से दूर करना चाहते हैं, उसे सिखाना चाहते हैं कि व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो मूल रूप से आपकी आत्मा करती है, और इंद्रियों के सुख की आकांक्षा मत कर। इस चीज़ को सिखाने के लिए जो कुछ घटनाएं घटती है, उसमें एक गुरु है, शिष्य है, गणिका है। गणिका और शिष्य गुरु के बीच में आत्माओं का परिवर्तन होता है, उस हिसाब से उनके व्यक्तित्व और रूप का रूपांतरण होता है, जिसको देख कर शिष्य को ये बोध होता है कि यह संसार नष्ट है। आपने 11वीं शताब्दी की बात की, एक छोटा सा सवाल है, आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो ये जो थीम आपने उठाई, हजार साल पहले की, ऐसा क्यों? शिक्षा प्रद है, और अपने यहाँ वैदिक परंपरा से चली आ रही है कि जो कुछ ज्ञान जो है उसके लिए तो समय अतीत है, वो अभी भी हम उसको रूपांतरित करके नव जो पीढ़ी है उसको उस रूप में परोस सकते हैं, इसलिए हमने परिवर्तित किया है इसको। आपने संस्कृत के नाटक का अनुवाद किया? नहीं, हिंदी का। हिंदी का अनुवाद किया, किस तरीके से कठिनाई आई बुंदेली में, ये तो और बड़ी बात है, तो हिंदी को बुंदेली में किस तरीके से, क्या कोई दिक्कत आई या ऐसा आपने लिखी दिया, आपकी बुंदेली लैंग्वेज भी रही होगी? बहुत ज्यादा परेशानी, हम जहाँ से निवास करते हैं जबलपुर से आसपास बुंदेलखंड जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा टच में रहते हैं, तो उसके आधार पर हमको थोड़ा सा आसानी। सवाल यही था कि जबलपुर का आदमी बुंदेली की बात करे, जी, रीवा का आदमी बघेली की बात करता, समझ में आता, जबलपुर का करेगा थोड़ा आश्चर्य होता। हम लगे हुए हैं प्रख्यात लोक कलाकार। जी जी जी, हाँ बताइए। और हमारे एक्चुअली ससुराल बुंदेलखंड में है नरसिंहपुर से, तो हमारा काफी आना जाना वहाँ है, तो वहाँ की लोक भाषा है बुंदेलखंडी, तो उससे हमें आसानी हो गई थोड़ा सा करने में। हमें पता चला आप लोक कलाकार भी हैं। जी जी, तो कुछ क्या गुनगुनाते हैं, क्या कौन सी विधा, जरा दर्शकों को बता दीजिए। हम लोग लोक संगीत बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ में हम लोग काम करते हैं, तो बुंदेलखंड सुनना चाहेंगे? अच्छा, जो आप इच्छा हो। बुंदेलखंड का तो काफी आपको यहाँ मिलेगा, तो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का चलेगा, आपको सुनाते हैं। ओ हो हो हो, हाय रे संझा के लाने आ, ये कर्मा है वहां का। चढ़ के सेमी तोड़ रे संझा के लाने रे, हाय रे संझा के लाने आ, चढ़ के सेमी तोड़ रे संझा के लाने रे, चीज तोड़ के मछली लाने खेदा के शिकार, भैया खेदा के शिकार, तोड़ मोड़ला मन मिल जाही, का करी है सरकार रे संझा के लाने। पूरा सुनने की इच्छा थी लेकिन समय बहुत इजाजत नहीं देता, आपके साथ फिर से बातचीत होगी, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात, आपने अनुवाद किया बुंदेली में, हमारे दर्शकों को सुनाया छत्तीसगढ़ का कर्मा, ये अपने आप में बड़ी बात। हमारे साथ और भी कलाकार है, जरा अपना नाम बताइए, किस पार्ट में है आप? मेरा नाम सुलेखा इंगोले है, मैं नाटक में कणिका की सखी के रोल में हूँ। आप? मेरा नाम अमन साहू है और मैं गुरु की भूमिका निभा रहा हूँ। गुरु की? आप? मेरा नाम प्रियंका सोनी है और मैं सेकंड नंबर की गणिका का रूप कर रही हूँ। 11वीं शताब्दी की बातचीत हो रही है, मैं एक बार फिर से नाटक की ओर लौटता हूँ। कितनी देर का नाटक है और किस तरीके से इसकी प्रस्तुति जब शाम को होगी वो तो हम लोग देखेंगे ही, लगभग कितनी देर का है और क्या आपको लगता है उस नाटक में क्या खास बात होगी? समय अवधि लगभग 1 घंटा 15 मिनट की है।
नाटक को हम लोगों ने लोक भाषा में ही नहीं रूपांतरित ही नहीं किया है, इसको लोक संगीत से भी सजाया है। वो लोक संगीत भी आपका जो थीम जो हमारी चल रही है उसी से जुड़ा हुआ है, उसको हाईलाइट करता हुआ। और भौतिकवाद तो संस्कृति में, भौतिकवाद तो संस्कृति आज के दौर की बड़ी बात नहीं है। आपने लोक संगीत की एक झलकी तो दिखाई, नाटक में और क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? देखिए, जैसे कि अपने डायरेक्टर साहब ने बताया कि उसमें आत्माओं का परिवर्तन होता है, तो जब चलता है नाटक तो वो थोड़ा सा हास्यास्पद, मतलब हंसी के आपके शरीर में आपको फुरफुरी आएगी कि हाँ नाटक जब चलता है तो उसमें हास्य भी आपको देखने मिलेगा। अब इंतजार रहेगा शाम को, जब जबलपुर की ये टीम रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में अपने कला का जौहर दिखाएगी। हमारी टीम भी मौजूद रहेगी, जो भी नाटक खेला जाएगा उसको लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही, अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।